इस किस्से में शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, वो दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रमुख हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी। वो खबरों में क्यों हैं? 11 फरवरी के शो में हमने आपको कांग्रेसी नेताओं के तीखे ट्वीट दिखाए थे। अब वो हमलावर हैं पी चिदंबरम पर। चिदंबरम उनके पिता के कैबिनेट सहयोगी और कुछ विवादों के चलते पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं। चिदंबरम ने केजरीवाल को जीत की बधाई दी। बदले में शर्मिष्ठा का ट्वीट आया कि क्या पार्टी ने उन्हें बीजेपी को हराने वाले क्षेत्रीय दलों को बधाई देने का जिम्मा दे रखा है। इस ट्वीट से हमें पी चिदंबरम और मुखर्जी परिवार की पुरानी रार भी याद आ गई, क्योंकि यूपीए सरकार के दौर में प्रणब मुखर्जी और पी चिदंबरम के बीच तनातनी की खबरें आती रहती थी। साल 2010 का यह किस्सा है। तब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी और उनके दफ्तर में 16 जगहों पर संदिग्ध गोंद मिली। कहा गया ये गोंद छोटे कैमरों और माइक्रोफोन को चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है। आरोपों की आंच पहुंची थी तब के गृह मंत्री पी चिदंबरम तक। गृह मंत्री का पद सामान्यतः सरकार में नंबर 2 माना जाता है, लेकिन मुखर्जी को वित्त मंत्री के साथ साथ लोकसभा में सदन के नेता का कार्यभार मिला था। साथ ही वो मनमोहन सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे और इसी हैसियत से वे मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता भी करते थे और इस वजह से मुखर्जी और चिदंबरम के खेमे में रार ठनी रहती थी। जब ये स्पाई गेट सामने आया कि देश के वित्त मंत्री की जासूसी कौन कर रहा है, तब चिदंबरम पर उंगलियां उठी। अभी शर्मिष्ठा मुखर्जी सामने आई तो कहा गया कि पिता का झगड़ा था, अब बेटी भी आगे ले जा रही है। लेकिन बेटी ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा था जब वो बेटी के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजिकल राह से भटके थे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप शर्मिष्ठा मुखर्जी के बारे में जान लें। उन्होंने जुलाई 2014 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली के फरवरी 2015 में, तब वो कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरी थी और जाहिर सी बात है कि बुरी तरह हार गई थी। आप कहेंगे जी के चुनने की वजह। कई लोग कहते हैं कि दिल्ली का जो बंगाल जोन है, यानी कि चितरंजन पार्क का एरिया, वो जीके में आता है और इसलिए शर्मिष्ठा को अपनी संभावनाएं बेहतर लग रही थी। कई लोग कहते हैं कि यहाँ शहरी मिडिल क्लास मतदाता खूब हैं, ये एक वजह थी। लेकिन केजरीवाल की झाड़ू जब चली तो शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली के मिनी बंगाल में भी नहीं बच पाई। उन्हें सिर्फ 6102 वोट मिले थे, यानी कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद भी वो कांग्रेस में सक्रिय रही। जब उनके पिता यानी प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न्योता स्वीकार कर लिया था, तब उन्होंने अपने पिता की भी आलोचना की थी। कई लोग कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जब जुलाई 2018 में अपने पिता को आरएसएस के न्योते पर नहीं बख्शा, तो फिर वो बाकी लोगों को कैसे बख्श सकती हैं। उस दौरान उनका बयान बहुत मकबूल हुआ था, आपकी स्पीच भुला दी जाएगी, विजुअल्स याद रखे जाएंगे जो झूठे बयानों के साथ प्रचारित होंगे। ये बात उन्होंने प्रणब मुखर्जी के लिए कही थी। ये अच्छी बात है, एक देश में इतना लोकतांत्रिक रवैया है, इतना आर्गुमेंटेटिव माहौल है कि प्रणब मुखर्जी की भी आलोचना कर सकती हैं शर्मिष्ठा। और अब उन्होंने कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की आलोचना की और आज ट्वीट पर चिदंबरम को निशाने में ले लिया।